हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एवोल्यूशन। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एवोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्री स्पीसीज इन मॉरिशियस failed to reproduce because of the extinction of a fruit eating bird. Mauritius में एक tree species है, उसकी जो reproduce है, जो reproduction है, वो क्या है, वो कम हो रही है, fail हो रही है। अब देखो, हम trees की बात करें तो trees में reproduction कैसे होती है, birds के through, wind के through या water के through होती है usually। तो bird के through कैसे होती है कि bird वहाँ पर बैठा है tree पे जो flower है, तो वहाँ से वो पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे प्लांट पे लेकर जाता है या कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, तो जिसके थ्रू आगे रिप्रोडक्शन होती है, राइट। या विंड के थ्रू, जैसे सीड्स है प्लांट के, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे जाकर ग्रो होते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स की है रिप्रोडक्शन होती है। अब ट्री स्पीसीज की, ये वाले जिस ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी जो रिप्रोडक्शन हो रही थी, जो ये आगे रिप्रोड्यूस कर रहा था, उसका जो मेन एक था वो किसके थ्रू हो रही थी रिप्रोडक्शन, इसकी बर्ड के थ्रू। वो जो बर्ड था वो इस ट्री के फ्रूट को खाता था, राइट। अब खाता था, उसके आगे जाता था, आगे जाकर कहीं पे भी वो उसके जो सीड थे उनको आगे डिस्पर्स कर देता था। तो उस बर्ड का हमें नाम बताना है जिसकी वजह से इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया वहाँ पे, उस बर्ड की पॉपुलेशन नहीं रही, पॉपुलेशन नहीं रही तो और कोई बर्ड उसके फ्रूट को इतना खा नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो उस बर्ड का नाम क्या है? उस बर्ड का नाम है डोडो। बर्ड का नाम क्या है? डोडो। नेक्स्ट है, विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी सम स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में कुछ स्पीसीज इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो जो दूसरी स्पीसीज है ना, उनकी एबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती है। जो कम्युनिटी के अंदर बाकी स्पीसीज रहती है तो उनकी एबिलिटी को वो डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होती है, इसीलिए वो स्पीसीज इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसी जो स्पीसीज है जो कि दूसरी स्पीसीज की एबिलिटी को डिटरमाइन करती है, ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? ऐसी स्पीसीज के लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। स्पीसीज को क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्ब्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमिना ऑफ। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो स्नेक है, स्नेक्स की लिम्ब्स लॉस हो चुकी है, लिम्ब्स नहीं होती। स्नेक कैसे मूव करता है? स्नेक क्रॉल करता है, राइट। तो ये जो फिनोमिना है ये किस पे बेस्ड है? ये फिनोमिना बेस्ड है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पे, कि हम जिन ऑर्गन्स को यूज करते हैं वो आगे ग्रो करते हैं, जिन ऑर्गन्स को हम यूज नहीं करते वो ऑर्गन्स जो है वो धीरे 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 क्या है, खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि स्नेक ने अपने लिम्ब्स को कभी यूज ही नहीं करा, जिसके चलते हुए उसके लिम्ब्स जो थे वो खत्म हो गए हैं। जैसे जिराफ की अगर हम बात करें, जिराफ की नेक लॉन्ग होती है, तो ये क्या है? क्योंकि वो जो पेड़ है, पेड़ के टॉप से पेड़ की पत्तियां को खाता है, तो जिसकी वजह से वो क्या है, एवोल्यूशन की वजह से, एवोल्यूशन हुई धीरे 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 धीरे, उसकी जो नेक थी वो लंबी हो गई। तो ये क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि जिस ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज कर रहे हो तो उसकी इनहेरिटेंस होती है धीरे धीरे, एवोल्यूशन होती है, एवोल्यूशन होती है तो वो ऑर्गन ऑटोमेटिकली जो है उस तरह से ग्रो कर जाता है, राइट। नेक्स्ट है, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है कि ब्रिंगिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यहाँ पे न्यू स्पीसीज के ओरिजिन की बात हो रही है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यहाँ पे न्यू स्पीसीज की बात हो रही है ओरिजिन की, यहाँ पे सेम स्पीसीज की आगे जो पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है
तो उसको कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आइसोलेशन. कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आइसोलेशन. तो आइसोलेशन से क्या होता है, नई स्पीसीज ओरिजिनेट होती है. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट. एवोल्यूशन की बात हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन हुई है, कौन सी क्लास, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, तो उसका सीक्वेंस हमें बताना है. तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है, दैट इज ऑप्शन सी, सैलामेंडर. सैलामेंडर सबसे पहले आया है. कौन सी इसकी जीनस कौन सा है, ये कौन सी क्लास का है, ये है एम्फीबियन. कौन सी क्लास है इसकी, एम्फीबियन, राइट. पाइथन उसके बाद आया है, पाइथन मैमल्स है. कैंगरू की बात करें, कैंगरू जो आता है ये रेप्टाइल्स में आता है, राइट. तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस. नेक्स्ट है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो किसकी है, वो है ऑपरिन हाल्डन थ्योरी. ऑपरिन हाल्डन थ्योरी. अब ये थ्योरी क्या है इनकी, इनकी थ्योरी है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले, वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वाटर में. कहाँ पे, वाटर में. उस टाइम पे ओरिजिनेट हुई थी जिस टाइम पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी. तो उस टाइम पे जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो कहाँ पे होती है, वाटर में, राइट. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर, जो सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से थे, वो हेटरोट्रॉफ्स थे. हेटरोट्रॉफ्स मतलब नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स थे, एनारोब्स थे, वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते थे, राइट. हेटरोट्रॉफ्स थे, नॉन ग्रीन थे, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते थे वो, और एनारोब्स थे, ऑक्सीजन यूज नहीं करते थे, राइट. नेक्स्ट है लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट, सबसे पहले जो लाइफ शुरू हुई है वो पानी से शुरू हुई है. नेक्स्ट है देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ. मून पे लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि मून पे वाटर नहीं है और वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. अर्थ पे भी हमने देखा जो लाइफ की शुरुआत होती है वो वाटर से ही होती है, तो सेम मून पे हो रहा है. मून पे पानी नहीं है, पानी नहीं है तो इसीलिए कोई लाइफ नहीं है. नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीसीज कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय. एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो हम स्पीसीज की करते हैं वो कैसे करते हैं, डीएनए एनालिसिस से हमें एवोल्यूशन का पता चलता है कि कैसे एवोल्यूशन हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीसीज की. सेकेंड है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है. सेकेंड है फाइंडिंग एज बाय कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग से हम किसी भी चीज़ की एज का पता लगा सकते हैं, चाहे कोई वो प्लांट स्पीसीज है, चाहे एनिमल स्पीसीज है, कोई फॉसिल है, तो हम कार्बन डेटिंग से उसकी एज का पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है, राइट. तो सेकंड वाला भी करेक्ट है. थर्ड है स्टडिंग फॉसिल्स ऑफ दिस स्पीसीज. अब किसी भी स्पीसीज के फॉसिल को जब हम स्टडी करते हैं उससे भी हमें उसकी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का पता चलता है, क्योंकि अब अगर हमें किसी स्पीसीज के फॉसिल्स मिलेंगे तो उन फॉसिल्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा था. तो अब हम उसको कंपेयर करेंगे प्रेजेंट डे के साथ, तो उससे हमें कैसे पता उससे हमें पता चल जाएगा एवोल्यूशन का, कि किस तरह से उसमें एवोल्यूशनरी करैक्टर्स जो है वो नए करैक्टर्स आ रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो है उसमें गायब हो रही है, तो एवोल्यूशन का उससे पता चलता है, राइट. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन इज ओरिजिनेटेड इन. ह्यूमन एवोल्यूशन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अफ्रीका से. कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत, अफ्रीका से हुई थी. अर्ली ह्यूमन का जो फॉसिल मिला था ना वो अफ्रीका से ही मिला था, जो कि 6 से 2 मिलियन साल पुराना था. तकरीबन 6 to 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड था वो, राइट. मिलियन ईयर्स ओल्ड था जो फॉसिल हमें अफ्रीका से मिला था, ह्यूमन का फॉसिल मिला था. सबसे पुराना फॉसिल अब तक जो हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, अफ्रीका से. नेक्स्ट है विंग्स ऑफ पिजन बैट एंड मस्कीटो एग्जिबिट द फिनोमिना कॉल्ड. अब जो विंग्स है पिजन के, बैट के या मस्कीटो के, ये कौन सा फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं, इनका जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो एनालोगस स्ट्रक्चर है. कौन सा स्ट्रक्चर है, एनालोगस स्ट्रक्चर है. एनालोगस स्ट्रक्चर. अ
अब एक होता है एनालोगस स्ट्रक्चर, एक होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इनका जो ओरिजन है, ओरिजन डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन सेम है। एनालोगस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ओरिजन है वो डिफरेंट है लेकिन जो इनका फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इनका सेम है, राइट। अब विंग्स की बात करें तो इनका ओरिजिन तीनों के विंग्स का अलग है लेकिन फंक्शन तीनों का सेम है। विंग्स का पिजन, बैट और मस्कीटो के जो विंग्स है, तीनों का फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन तीनों का अलग अलग है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल इंक्लूड्स होमोलोगस ऑर्गन्स। दूसरा होमोलोगस, एनालोगस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। अब ओरिजिन क्या है इनका? सेम है, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन इनके डिफरेंट है। फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो ये आते हैं होमोलोगस के अंदर। तो इसमें जो बेस्ट सूटेड है होमोलोगस ऑर्गन्स में वो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्स ऑफ रैबिट। अब इन तीनों का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन तीनों के अलग अलग है, राइट। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स आर। होमोलोगस ऑर्गन्स होते कौन से हैं? जो सेम ओरिजिन हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? ऑप्शन डी, सिमिलर ओरिजिन विथ डिससिमिलर फंक्शंस। फंक्शंस अलग अलग है लेकिन ओरिजिन इनका सेम है। नेक्स्ट है फॉसिलाइजेशन कैन अकर वेयर। फॉसिलाइजेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे एनिमल्स जो है वो बरी होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली वो बरी हो जाते हैं। तो बहुत टाइम के बाद वो उनकी जब हड्डियाँ हमें मिलती है, जो भी रिमेन्स उनके मिलते हैं उनको हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें एवोल्यूशन का पता चलता है, राइट। तो यहाँ पे एनिमल्स बरी हो रहे हैं, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर एनिमल्स डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे किसी भी वजह से, स्कैवेंजर से या इन्वायरमेंटल कंडीशन से, तो वो तो ख़त्म हो गए ना, तो उसके फॉसिल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फॉसिलाइजेशन में होता क्या है, हमें एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं या प्लांट्स के या एनिमल्स के हमें फॉसिल्स मिलते हैं जो एनिमल्स नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बरी हो गए हैं, राइट। उनको किसी ने खाया नहीं या वो ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म हो जाएंगे तो फॉसिल्स मिलेंगे ही नहीं ना, तो फॉसिल्स तभी मिलेंगे जब एनिमल्स को बरी किया जाएगा बाय नेचुरल प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट है ऑन्टोजनी रिपीट्स पॉलीजनी। ऑन्टोजनी क्या है? ऑन्टोजनी पॉलीजनी ये एवोल्यूशन की थ्योरीज है, डेवलपमेंट की थ्योरीज है। इज द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ ऑन्टोजनी रिपीट्स पॉलीजनी। ये किसकी डेफिनेशन है? ये बायोजेनेटिक लॉ की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है? ये बायोजेनेटिक लॉ जो है ये डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन की ही थ्योरी है। किसने दी थी ये? अर्नस्ट हैकल ने दी थी 1860 में। अर्नस्ट हैकल कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट थे, राइट। नेक्स्ट है रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी ऑपरिन एंड हेल्डेन ने। ऑपरिन एंड हेल्डेन ने थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है रशियन साइंटिस्ट, तो इसमें जो ऑपरिन थे ये रशियन साइंटिस्ट थे, राइट। हेल्डेन जो थे ये इंग्लिश थे, तो ऑपरिन रशियन साइंटिस्ट थे। तो रशियन साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी दी थी? तो वो आ जाएंगे ऑपरिन, राइट। अगर सिंपल क्वेश्चन आए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी किसने दी थी, तो उसमें नाम आएगा ऑपरिन एंड हेल्डेन का, राइट। नेक्स्ट है अर्थ ओरिजिनेटेड इन द पास्ट पीरियड ऑफ अबाउट। अर्थ का जो ओरिजिन है वो कब से शुरू हुआ था? अर्थ ओरिजिनेट हुई थी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, राइट। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की जो है वो ओरिजिनेशन होती है, शुरुआत होती है, राइट। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड हैविंग रिटन ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज। ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो मॉडर्न थ्योरी है वो किसने दी थी? किसने दी थी? वो भी ऑपरिन ने दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी। टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर। जो एलिफेंट के टस्क होते हैं, दो बड़े बड़े दांत जो आगे दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं टस्क। तो ये किसके बने होते हैं? ये आइवरी के बने होते हैं, राइट। तो इसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एलिफेंट के टस्क को। तो बेसिकली ये जो टस्क होते हैं ये होते क्या हैं? ये अपर इंसीजर्स होते हैं,
एनिमल के जो सॉरी एलिफेंट के जो टस्क होते हैं ये अपर इंसीजर्स होते हैं जो बाहर को बड़े बड़े दांत होते हैं, राइट। नेक्स्ट है लमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, लमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, लमार्क्स की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, के जो भी करेक्टर्स होते हैं वो आगे इनहेरिट होते हैं, राइट। तो थ्योरी क्या है इनकी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। नेक्स्ट है हु पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859 में एक बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, किसने पब्लिश करी थी ये बुक, तो ये बुक पब्लिश करी थी चार्ल्स डार्विन ने, किसने करी थी, चार्ल्स डार्विन ने, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।